हेलो हाय सत श्री अकाल किमचो नमस्ते दोस्तों, मैं आपकी दोस्त डॉक्टर श्वेता स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल श्वेत्स वर्ल्ड पे। क्या ऐसा हुआ है आप किसी से बात कर रही हो और अचानक से उसने अपनी नाक पर कुछ इस तरह से हाथ रख दिया या फिर वो पीछे हो गया हो, या आप किसी से बात कर रहे हो और आपके फ्रेंड को आप कहते हैं यार तूने आज ब्रश नहीं किया क्या। जी हाँ, बहुत ही एम्बेरेसिंग सिचुएशंस होती हैं ये, जब किसी के मुंह से बदबू आए, दुर्गंध आती है, बैड स्मेल आती है, तो इस तरह के जो रिएक्शंस मिलते हैं वो बहुत ही बुरे लगते हैं, एम्बेरेसिंग लगते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं कि मुंह में से बैड स्मेल क्यों आती है, दुर्गंध क्यों आती है, उसके क्या उपाय हैं और क्या ट्रीटमेंट है। सबसे पहला बड़ा रीज़न, मुंह की साफ़ सफाई ढंग से ना रखना। जी हाँ, जैसे अपनी पहली वीडियो में मैंने बताया है कि हम रोज़ खाना खाते हैं, मुंह में अनाज फंस जाता है, दांत की सतहों पे खाना चिपक जाता है, और अगर हम इसे ढंग से साफ़ नहीं करते हैं तो ये प्लाक और कैलकुलस में कन्वर्ट हो जाता है और फिर बैक्टीरिया अपने मुँह पर ग्रो करने लगते हैं और बैड स्मेल मुँह से आने लगती है। तो इसका ट्रीटमेंट ये है कि आपको अच्छे से रेगुलर ब्रशिंग करना है, आपको अच्छे से ब्रश करना है, और आपको नियर बाय डेंटिस्ट के पास जाके स्केलिंग करवानी है, क्लीनिंग करवानी है। तो इससे आपके दांत साफ हो जाते हैं और मुंह में से बैड स्मेल कम हो जाती है। दूसरा, इम्प्रॉपर ब्रशिंग। जी हाँ, ऐसा अक्सर देखा गया है कि लोग ब्रश तो कर रहे हैं लेकिन उन्हें सही तरीका नहीं पता होता है। सही तरीका ब्रश करने का मैंने अपनी वीडियो में आपको पहले बता रखा है, आप ज़रूर चेक कर लें कि प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक क्या होती है। तो ये एक और इम्पॉर्टेंट बात कि आपको ब्रशिंग प्रॉपर करनी चाहिए, रेगुलरली करनी चाहिए। तीसरी चीज़, गम प्रॉब्लम। जी हाँ, दांत के जो मसूड़े होते हैं, कितनी बार देखा गया है कि वो सूजन उनमें आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, पॉकेट फॉर्मेशन हो जाती है। तो उन मसूड़ों में जब पॉकेट बन जाती है ना, तो उसमें खाना जाके ट्रैप हो जाता है, फंस जाता है, अगेन उस पर फिर बैक्टीरिया ग्रो करते हैं और बैड स्मेल प्रोड्यूस हो जाती है। तो इसका यही उपाय है कि आपको डेंटिस्ट के पास जाना है और उसकी काफ़ी ट्रीटमेंट होते हैं गम्स के लिए, वो ट्रीटमेंट आपको डेंटिस्ट बता देते हैं और आपको कुछ ऑइंटमेंट्स भी देते हैं, मेडिसिंस भी देते हैं, जिसका रेगुलर यूज़ करने पर वो समस्या चली जाती है। चलिए चलते हैं चौथे रीज़न के पास, वो है ड्राइनेस ऑफ माउथ। जी हाँ, देखा गया है कि हम बहुत लंबे टाइम तक अगर फास्टिंग करते हैं या फिर पानी कम पीते हैं तो हमारी मुंह में बहुत सूखापन सा आ जाता है, सलाइवा कम प्रोड्यूस होता है और उसकी वजह से बैक्टीरिया का ग्रोथ बहुत बढ़ जाता है और बैड स्मेल बहुत ज़्यादा आती है। तो इसका ट्रीटमेंट यह है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है। और इसके बाद जो इम्पोर्टेंट रीज़न है वो है हैबिट्स। अगर आपको स्मोकिंग और टोबैको च्यूइंग या फिर अल्कोहल कंजप्शन का हैबिट है तो डेफिनेटली आपके मुंह में से बहुत बैड स्मेल आ सकता है, क्योंकि ये जो हैबिट होता है स्मोकिंग और अल्कोहल, इससे डिहाइड्रेशन होता है, बॉडी में पानी की मात्रा कम हो जाती है, तो उसकी वजह से मुंह में से बैड स्मेल आने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो धीरे धीरे कोशिश कीजिए इस हैबिट को आप कम करें और हो सके तो पूरी तरह से बंद कर दें, क्योंकि इसका मुंह के अलावा शरीर पे भी बहुत बुरा असर पड़ता है। इसके अलावा बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपके पेट में, आप बोलते हैं ना एसिड हो रहा है, एसिड प्रोड्यूस हो रहा है, जी हाँ, काफ़ी लंबे समय तक देखा गया है कि कुछ पेशेंट्स में अगर एसिडिटी की प्रॉब्लम है, बहुत लंबे समय से उन्हें एसिडिटी होती है, तो उन केसेस में भी मुंह से बैड स्मेल आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि जो स्पाइसी फूड होता है वो ज़्यादा, जो स्पाइसी फूड होता है या जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे सिट्रस ड्रिंक्स होते हैं, मीठे स्वीट, बहुत ही ज़्यादा स्वीट जो बोलते हैं ना ड्रिंक्स होते हैं, वो चीज़ें आपको नहीं लेनी, क्योंकि उससे एसिड प्रोडक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं शरीर में। इसके बाद हम बात करते हैं डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स की। जी हाँ, अक्सर ऐसा देखा गया है कि कुछ पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होता है, तो अगर खाना ढंग से नहीं पचता है तो भी मुंह से बैड स्मेल आती है। तो इसके लिए आप मेक श्योर करें कि फाइबरस फूड ज़्यादा से ज़्यादा आपको अपने खाने में लेना है। खाना खाएं आराम से, चबा चबा के 32 बार 32 बार खाने को चबाएं। खाना अच्छे से जब ब्रेक डाउन हो जाता है तो चबाना अच्छे से अगर आप करते हैं तो खाना पचाना भी बहुत आसान हो जाता है और उससे भी बैड स्मेल बहुत हद तक कम हो जाती है।
कितनी बार ऐसा भी देखा गया है कि पेशेंट्स कुछ मेडिसिन्स पे बहुत लंबे समय से हैं, जैसे किडनी प्रॉब्लम है, लीवर प्रॉब्लम है, तो कुछ ऐसी मेडिसिन्स भी हैं अगर लंबे टाइम तक ली जाती हैं तो उससे भी बैड स्मेल आती है। तो उसके लिए आपको आपका ओरल हाइजीन मेंटेन करना है, क्योंकि मेडिसिन्स तो आपको लेनी होगी। तो आपको घर पे कुछ रेमेडीज़ मैं आगे आपको बताने वाली हूँ, आप फॉलो करें और डेंटिस्ट के पास जाके हर 6 महीने में क्लीनिंग कराएं, तो भी बहुत अच्छे से आप बैड स्मेल को कंट्रोल कर सकते हैं। प्रेगनेंसी, जी हाँ, अक्सर ऐसा देखा गया है कि प्रेग्नेंट फीमेल के जो गम्स होते हैं ना, वो बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं, उनमें काफ़ी स्वेलिंग आ जाती है, ब्लीडिंग होती है, क्योंकि उनमें हाथ गार्गल करें, माउथ वॉश से रिंस करें और डेंटिस्ट के पास जाके स्केलिंग करवाएं। चीज़ और है, वो है डायबिटीज़। डायबिटीज़ में अक्सर ऐसा देखा गया है कि पेशेंट के जो गम्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा ईजी होते हैं इन्फेक्शन को कैच करने में, क्योंकि डायबिटीज़ में वैसे भी पेशेंट जो होते हैं उनकी जो इम्यूनिटी होती है वो थोड़ी कम हो जाती है इन्फेक्शन से लड़ने के लिए। तो जो मैंने बताया, साफ़ सफाई रखने के लिए मुंह की, वो उन्हें फॉलो करने चाहिए। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि ये रीजंस हैं। अच्छा, ऐसे कौन से घरेलू, ऐसे कौन से होम रेमेडीज़ हैं जो आप कर सकते हैं जिससे कि मुँह में से खुशबू आए और दुर्गंध चली जाए? नींबू, नींबू हर किसी के घर में मिलता है। नींबू को आप, एक नींबू को आप लें, इसको स्क्वीज़ करते हैं 1 ग्लास वाटर में और अच्छे से उसको दिन में अगर आप 2 से 3 बार गार्गल करते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि बैड स्मेल बिल्कुल चली जाती है। इसके अलावा आप लेमन के छोटे छोटे पीसेस कर लें और टुकड़े, अगर आप 1-2 टुकड़ा लेके मुँह में आप रखते हैं तो भी ये प्रॉब्लम चली जाती है। सिनेमन, जी हाँ, दालचीनी, दालचीनी को अगर आप उबाल लेते हैं गर्म पानी में ठंडा करके, फिर उस पानी का अगर आप कुल्ला करें तो भी बैड स्मेल जाती है। इलायची, सौंफ, ये चबाएं, इससे भी बहुत मुंह में से खुशबू आती है। और तुलसी के पत्ते, जी हाँ, तुलसी के पत्तों को भी आप मुंह में रख के चबाएं तो उससे भी दुर्गंध काफ़ी हद तक चली जाती है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल रहा होगा। इसी तरह से अगर आपको इंटरेस्टिंग वीडियोस, यूज़फुल वीडियोस चाहिए तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फ्री है यार, कर ही सकते हैं, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।